तो टीवीएफ की तरफ से आने वाली सीरीज यानी गुल्लक का सीजन 4 कर दिया गया है रिलीज। तो कैसी है ये सीरीज, अच्छी है या फिर बुरी, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये सीरीज काफी ग्राउंडेड रखी गई है, इस सीरीज में कोई फालतू का ग्लैमर नहीं है, ये सीरीज एकदम रॉ और रस्टिक रखी गई है जो की सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इस सीरीज में हमें एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाई है जिसमें की सेम वैसा ही जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होता है वैसा ही दिखाया है, कोई नई फालतू की चीज ऐड नहीं की है जैसे की ज्यादा पैसे ना होना, छोटा सा घर, छोटी सी फैमिली, भाई भाई के बीच वो थोड़ी बहुत अनबन होना, माता पिता के साथ झगड़ा करना, छोटी मोटी गलतियां कर देना, ऐसा सेम दिखाया है, कुछ नई फालतू की चीज ऐड नहीं की गई है। लेकिन आई सीरीज के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि आपको शायद पसंद ना आए और वो है सीरीज का धीरे चलना, जो कि कई लोगों को पसंद आता है और कई लोगों को नहीं, जो कि वैसे मुझे तो पसंद है लेकिन कई लोगों को सब कुछ जल्दी देखना होता है तो उनको शायद ना पसंद आए। और इस सीरीज का हर एपिसोड आपको एक नई कहानी दिखाएगा। और इस सीरीज के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस सीरीज की राइटिंग काफी बढ़िया थी, ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। वैसे टीवीएफ की सबसे बेस्ट चीज यही है कि वो सीरीज की राइटिंग में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, और इसके अलावा इस सीरीज में दिखाए गए कैरेक्टर्स भी काफी बढ़िया हैं। और यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा इस सीरीज के एक्टर्स की जिन्होंने की बहुत ही अच्छा काम किया है, और इन कैरेक्टर से आप बहुत कनेक्ट करोगे अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो, मैं तो हूँ वैसे। और सीरीज के लास्ट एपिसोड में सच बता रहा हूँ मैं भी इमोशनल हो गया था। वैसे अगर आपने इस सीरीज के बाकी के सीजन नहीं देखे है तो सबसे पहले उन्हें देख लेना, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो और गुल्लक का सीजन 4 मुझे तो काफी अच्छा लगा, मजा आ गया देखकर, और मैं आपको भी ये हाईली रिकमेंड करता हूँ, जरूर देखना। वैसे मैं सीरीज को दूंगा 4 out of 5 stars। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर इतना ही, और हाँ क्या आपने सीरीज देखी, और अगर देखी तो आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।